नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मी सिंह राजपूत, प्रस्तुत है समाचार। बंसीधर नगर से हमारे संवाददाता अरमान खान की रिपोर्ट। बंसीधर नगर पुलिस अधीक्षक सुरेश राव खोत्रे के निर्देश पर एसडीपीओ अजीत कुमार के नेतृत्व में शनिवार को नगर उटारी थाना के सामने व बाजार में मास्क पहनने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान एसडीपीओ अजीत कुमार के द्वारा बिना मास्क के चलने वाले राहगीरों को माला पहनाकर एवं मास्क देकर जागरूक किया गया। एसडीपीओ अजीत कुमार ने कहा कि देश एवं राज्य में कोरोना का संक्रमण तेजी से हो फैल रहा है, स्वयं के साथ साथ राष्ट्र और समाज के हित में सचेत होने के बजाय लोग बिना मास्क पहने ही बेधड़क बेखौफ घूम रहे हैं, यह काफी खतरनाक है। उन्होंने कहा कि मास्क पहनने के प्रति और अपने स्वास्थ्य के प्रति ठीक रहने के लिए पुलिस की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया है। लोगों से बार बार साबुन से हाथ धोने और सैनिटाइज करने की भी अपील की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिना मास्क के सड़क पर निकले लोगों को माला पहनाकर और मास्क प्रदान कर खुद को कोरोना से बचने के लिए बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना निकलने के लिए अपील की गई है। इसके बाद भी यदि कोई बिना मास्क के बाहर निकलता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पुलिस इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह, थाना प्रभारी पंकज कुमार तिवारी, अशोक सिंह समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। क्या दिशा निर्देश दिया गया, आज बॉर्डर का निरीक्षण किया गया है सर के द्वारा? यहाँ पर देखा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना का प्रादुर्भाव जो बढ़ गया है, उसके आलोक में जो अंतर्राज्यीय सीमा है वहाँ पे वाहनों के मूवमेंट को चेक करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए नए सिरे से जो है जो दिशा निर्देश मिले उसके आलोक में यहाँ पर मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है अंतर्राज्यीय सीमा का, जो यूपी और झारखंड की सीमा है। और इसके आलोक में जो भी यहाँ पर पदस्थापित या प्रतिनियुक्त पुलिस ऑफिसर और मैजिस्ट्रेट, इनको जो है सख्त दिशा निर्देश दिया गया है कि बिना किसी एंट्री पास के, बिना किसी ऑथराइजेशन के झारखंड की सीमा में दूसरे राज्य की सीमा से एंट्री नहीं दी जाएगी। साथ ही यहाँ पर जो प्रतिनियुक्त पुलिसकर्मी हैं उनको उनके सेफ्टी के हिसाब से के लिए भी मेरे द्वारा जो है वो आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। अपने आसपास के खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।